हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपका जेनेटिक्स पर, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ आर एप्लीकेबल ओनली इन, यानी जो मेंडल का नियम है वो किन पर यानी किन परिस्थितियों में लागू होता है, तो इनको ज़रा देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरैक्टिंग जीन्स ऑफ टू क्रोमोसोम्स, ये नहीं होगा टू क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा ब्रीडिंग जो पेरेंट्स होते हैं उनमें या स्पीसीज होती हैं उनके बीच में होता है। जीन्स विच आर लिंक्ड, ये भी नहीं होगा। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ये ऑप्शन आपका सही होगा, जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं तो उनके बीच आपका ये एप्लीकेबल होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो ये था राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ, यानी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है पृथक्करण का नियम, इसको किस और नाम से भी जाना जाता है? तो लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है यानी आप पृथक्करण का नियम, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी आपका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्रोबेबिलिटी जो है ये प्रायिकता को बोल देते हैं। पुनेट हाइपोथेसिस, ये बॉलवोन एंड पुनेट ने ऑब्जर्व करा था कि जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो होता है वो आपका 7:1, 1:7 होता है, जिन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी। इंडिपेंडेंस ऑफ गैमेट्स, ये आपका जो गैमेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब होता है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखेंगे तो F2 जनरेशन में, जो F2 जनरेशन होती है, तो F2 जनरेशन में आपका जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं वो आपके मिल जाते हैं, जबकि जो फर्स्ट F1 जनरेशन में आपका क्या होता है कि F1 जनरेशन में ये आपका क्रॉस्ड यानी संयुग्मित होकर के प्रकट होते हैं जो हमारे ओरिजिनल पेरेंट्स हैं। जैसे मान लो टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया, तो यहाँ पर आपका जो टॉल तो मिलता है लेकिन वो गैमिट्स प्योर नहीं होता है, हमारा जो कैपिटल डी था वो नहीं मिल पाता है, या स्मॉल टी भी आपकी यानी जो ओरिजिनल पेरेंट्स है विलुप्त, लेकिन आपका जो F2 जनरेशन उसमें ये आपका सेपरेट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू, जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये कहाँ पर आपका एप्लीकेबल होता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस में तो खैर एप्लीकेबल होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी एप्लीकेबल होता है, डाईहाइब्रिड बट नॉट मोनोहाइब्रिड ये नहीं होगा, बोथ डाईहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड तो ये हो जाएगा, ये जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये बहुत आपका डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड दोनों में आपका एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स नो लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग, यानी जो आपका लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो स्टेज है वो नहीं हो रही है, तब मेंडेलियन फैक्टर आपका किस स्टेज में आपका दिखाई देते हैं, ऑकर मतलब पाए जाते हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाफेज 1, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाफेज 1। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका व्हेन एन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ इट्स आइदर ऑफ टू पेरेंट्स द क्रॉस इज ऑल्सो नोन एज, मान लो आपके दो पेरेंट हैं, एक आपका कैपिटल टी इसका क्रॉस कराया गया है स्मॉल टी के साथ, ये आपके हैं पेरेंट्स। अब यहाँ पर हमको F1 जनरेशन में मिला आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 जनरेशन है। अब वो कह रहा है F1 इंडिविजुअल क्रॉस विथ आइदर टू पेरेंट्स, यानी अगर इसका इससे भी क्रॉस कराना है और इसका इससे भी क्रॉस कराना है, तो ये जो है बैक में क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा बैक क्रॉस, यानी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक क्रॉस। अच्छा, टेस्ट क्रॉस में जो होता है F1 इंडिविजुअल्स का, अगर केवल आपका रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं,
तो वो क्रॉस आपका हो जाएगा, केवल रिसेसिव से करा रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैक क्रॉस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है इसमें आपके कई एलील्स होते हैं, मल्टीपल एलील्स, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एग्जिबिट्स मल्टीपल एलिलिज्म। राइट आंसर हो जाएगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स मल्टीपल एलिलिज्म। इसके अलावा जो एपिस्टेसिस है, अदर जो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो एपिस्टेसिस में इसमें एक जीन के प्रभावों को एक या कई जीनों द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है इसमें आपका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली आपका एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। जैसे आपका रेड का जब क्रॉस कराते हैं आपका वाइट के साथ, तो हमको जो F1 जनरेशन में आपके पेरेंट्स हो गए, तो F1 जनरेशन में जो मिलता है वो मिलता है आपका पिंक। यहाँ पर आपके पेरेंट्स थे, एक था रेड और एक था वाइट, लेकिन आपका जो पेरेंट्स जो F1 जनरेशन में जो हमको मिला वो आपका हुआ पिंक। तो ये आपका होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी डोमिनेंट जो करेक्टर था रेड का वो कम्प्लीटली आपका एक्सप्रेस नहीं हो पाया। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, जब आपका इनहेरिटेंस कई फैक्टर्स एक साथ, आप चूंकि जो इनहेरिटेंस होते हैं करेक्टर फादर मदर के, तो कई करेक्टर्स एक साथ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीपल एलिलिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसमें कितने टाइप के पॉसिबल जीनोटाइप्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ओ है ये। अब ये आपके ब्लड ग्रुप्स हो गए, इन ब्लड ग्रुप्स में जीनोटाइप्स ये देखते हैं, ए और बी में आपके 2 टाइप्स के जीनोटाइप्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें आपका होता है IA, दूसरा होता है आपका IA और IO, O जो होता है रिसेसिव होता है। इसी तरह बी में आपका IB और सेकंड हो जाता है IB और IO। लेकिन ये जो AB और O होते हैं इनमें केवल आपका सिंगल सिंगल टाइप के ही जीनोटाइप्स होते हैं, इसमें IA और इसमें IB और इसमें हो जाता है IO। तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट ये आपका 6, यानी टोटल जो आपके जीनोटाइप्स होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में वो होते हैं आपके 6 टाइप्स के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका ए मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ हैज ग्रुप ओ चाइल्ड, द ग्रुप ऑफ फादर कुड बी, यानी आपका मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, फादर का भी सॉरी जो आपका चाइल्ड है वो भी आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। तो इसमें आपका कौन सा आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ए और बी तो हो सकते हैं, क्योंकि ए और बी इन दोनों में आपका जो सेकेंड टाइप का जो जीनोटाइप होता है ए और बी में, फर्स्ट तो आपका होता है IA और सेकेंड वाला होता है IA IO, इसी तरह बी में होता है आपका IB और IO, और यहां पर जो ओ होता है इसमें होता है आपका IO IO। तो ये जो आपके हो गए ब्लड ग्रुप, इसमें आपका देखिए ये भी सब रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपके सारे रिस्पॉन्सिबल हैं ओ के लिए। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो हो जाएगा आपका, तीनों हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिनोमेनन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड, ऐसा फिनोमेनन जिसमें आपका इस सिंगल जीन्स इन्फ्लुएंसेस करता है मोर देन वन ट्रेट, जिसके बारे में भी बात करी जा सकती है, ये होता है आपका प्लियोट्रॉपी होता है, सॉरी गलत लगा दिया मैंने, ए फिनोमेनन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर प्लियोट्रॉपी। अब पेनिट्रेसी की बात करते हैं, पेनिट्रेसी जो होता है ये आपका द पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी स्पेसिफिक जीन एंड एक्सप्रेस द रिलेटेड टर्म, एक प्रकार से ये आपका जो एक्सप्रेस होता है इंडिविजुअल्स में रिलेट स्पेसिफिक जीन्स उसको बोल देते हैं पेनिट्रेसी। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें भी आपका कैटेगरी करी जाती है। पॉलीडेक्टाइली मतलब होता है आपका मैनी फिंगर्स, मैनी मतलब मोर देन फाइव फिंगर्स, फाइव फिंगर्स से आपका जब ज़्यादा होती हैं मोर देन फाइव फिंगर्स या टोज तो वो आपका कंडीशन कहलाती है पॉलीडेक्टाइली। इसके अलावा पॉलीप्लॉयडी जो होती है ये आपका एक टर्म है जो अप्लाइड होता है तब जबकि आपका जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं जिसे जनरली आपका जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सोमेटिक सेल्स में ये आपके मल्टीपल फॉर्म में हो जाएंगे, मल्टीपल फॉर्म में मतलब आपका 6n हो जाएं 8n हो जाएं तो इनके लिए हम यूज करेंगे पॉलीप्लॉयडी। तो ये थे आपके अदर ऑप्शंस के डिटेल, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लियोट्रॉपी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग, अब ड्रोसोफिला में जो आपका टेस्ट क्रॉस होता है वो क्या होता है बिटवीन F1 बिटवीन टू F1 हाइब्रिड्स नहीं होगा, बिटवीन टू जीनोटाइप्स विथ रिसेसिव ट्रेट बिटवीन टू जीनोटाइप ये भी नहीं होगा, द F1 हाइब्रिड विथ अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप ये होगा आपका राइट आंसर F1 का जब आपका रिसेसिव वाले जीनोटाइप से होता है दोनों रिसेसिव यानी आपका जो पेरेंट्स होते हैं उसमें जो आपके दो रिसेसिव जो आपका जो दो रिसेसिव जीनोटाइप हैं उनके साथ जब F1 जो इंडिविजुअल है उसका जब क्रॉस होता है उसको बोल देते हैं हम आपका टेस्ट क्रॉस। लास्ट ऑप्शन है बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट वाला आपका जो आ जाता है वो आ जाता है बैक क्रॉस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है आपका मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, मेंडेलियन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपका किसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आर नॉट एप्लीकेबल इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म्स, यानी जो आपका एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करेंगे उनमें ये आपका एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि एसेक्सुअल में तो आपका सिंगल पेरेंट यूज होता है, केवल सिंगल पेरेंट ही यूज होता है तो उसमें आपका कोई क्रॉस हो ही नहीं पाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेष ऑप्शन जो है वो आपके कट हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मेंडेलियन आइडिया इज डेपिस्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स यानी आपका दोनों जो पेरेंट्स हैं वो रिजेंबल करें उनका असर दिखाई दे एक प्रकार से, तो ये आपका जो होता है वो होता है कोडोमिनेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो आपका केवल जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी नहीं होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका डोमिनेंट कैरेक्टर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, पिंक फ्लावर वाला एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस में होता है दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट रिसेसिव कुछ रहे होता ही नहीं है, जो बोथ कैरेक्टर हैं वो आपका F1 इंडिविजुअल्स में लगभग इक्वली 50-50 आपका एक्सप्रेस हो जाते हैं। इसमें अगर आप जो काउ का एग्जांपल दे दें, अगर एक आपका रेड कलर की जो काउ है उसका जो वाइट कलर की जो काउ के साथ हम क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन में हमको जो काउ मिलती है ये मान लो रेड रेड मतलब हो गया ब्राउन कलर की जर्सी वगैरह में ये चीज़ देखने को मिलती है, और ये दूसरी आपकी हो गई वाइट
तो इसका जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको रोवन कलर मिला। रोवन मतलब एक प्रकार से होता है पैचेसदार, जिसको हम चितकबरी बोलते हैं। चितकबरी गाय नहीं बोलते हैं, जिसमें आपका जो गाय होती है उसमें पैचेस होते हैं, कहीं पर आपका वाइट होता है, कहीं पे आपका ब्लैक होता पोर्शन, जो जर्सी गाय होती हैं तो उनमें आपका ये चीज़ दिखाई देती है। उनमें बोथ जो पेरेंट्स हैं उनका इक्वली जो है वो करेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोडोमिनेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट है ईच टेस्ट ईच बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस। हर बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि बैक क्रॉस में F1 इंडिविजुअल्स का बोथ पेरेंट्स के साथ, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव, दोनों के साथ क्रॉस किया जाता है। जबकि जो आपका टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में केवल आपका जो F1 इंडिविजुअल्स है उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है। तो सेकेंड ऑप्शन है आपका ईच टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। तो आपका ऑलरेडी जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि बैक क्रॉस में दोनों पेरेंट्स के साथ क्रॉस होता है और टेस्ट क्रॉस में आपका ओनली F1 इंडिविजुअल का रिसेसिव पेरेंट के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेस ऑप्शन आपके क्रॉस हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट। जो मल्टीपल एलील्स होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ कंडीशन दे रखी है। ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होगा, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स भी नहीं होगा, डिफरेंट क्रोमोसोम्स तो मल्टीपल एलिलिज्म कैसे हो गए। एट द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम्स, तो ये आपका राइट हो जाएगा, सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे जब आपका प्रेजेंट है तो वो आपका कंडीशन कहलाती है मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलील्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, When closely placed genes on the same chromosomes are inherited together, the phenomenon is known as. Closely placed genes हैं on the same chromosomes, यानी एक ही chromosomes पर closely आपका placed हैं, are inherited together, तो ये आपका process कहलाता है linkage। Crossing over में, crossing over में जो है जो आपका homologous chromosomes होते हैं वो आपके उनमें आपका क्रॉसिंग हो जाती है इस टाइप से। तो ये कंडीशन आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। मल्टीपल एलिज्म अभी की बात करी गई थी, मल्टीपल एलिज्म की क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब होता है क्वालिटी, जो कुछ इनहेरिटेंस हो रहे हैं उसमें आपका जो क्वालिटी को हम एक प्रकार से पॉइंट आउट करते हैं तो वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, द फिनोमेनन परमिटिंग एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज कॉल्ड। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट कैसे होता है, जैसे मान लो आपका ये सिंगल क्रोमोसोम्स ये है। अब इसमें आपका जो ये क्रॉसिंग ओवर कर रहा है दूसरे के साथ, इसको डॉट डॉट से बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि बाद में जब ये आपका एक्सचेंज होंगे तो ये जो आर्म्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है, यानी कुछ इस टाइप से बनेगा। जो सिंगल जी आपका बनेगा वो इस टाइप से होगा और जो दूसरा वाला बनेगा वो आपका कुछ इस टाइप से होगा। इसमें ये देखिए जो ये पोर्शन जो है वो एक्सचेंज हो गया है, इसमें जो है आपका एक्सचेंज हो गया। तो ये जो प्रोसेस आपका होता है ये होता है आपका क्रॉसिंग ओवर में। म्यूटेशन जो है वो आपका सडन चेंज है, जब सडन चेंज हो जाता है तो उसको म्यूटेशन के अंतर्गत लाते हैं। लिंकेज के बारे में अभी बात करी गई थी। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग होना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आपका गैमेट्स हैं वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, रिकॉम्बिनेशन इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ। रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेशन जो नया चेंजेस होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है आपका
क्रॉसिंग ओवर में साइटोकाइनेसिस, ये आपका साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसमें आपका जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है सेल डिवीजन में, स्पिंडल फॉर्मेशन भी आपका सेल डिवीजन में होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में जो होता है एक ये एक पर्टिकुलर टाइप का जो है म्यूटेशन है, और इसमें आपका एक प्रकार से ये ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि इसमें आपका प्रोडक्शन होता है वन और मोर कॉपीज ऑफ डीएनए पीस, इसको बोल देते हैं आपका क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू, क्रॉसिंग ओवर्स जो होता है वो किन के बीच में होता है, किन दो के बीच में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू अ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये नॉन होमोलॉगस में नहीं होगा, और क्रोमोसोम्स में तो रहता है लेकिन उसमें भी आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द म्यूटेशन ऑफ टाइप इन विच अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट जीन इज रिमूव्ड फ्रॉम द जीनोम इज कॉल्ड, इसमें आपका केवल आपका जो पार्ट है वो रिमूव किया जा रहा है, तो पार्ट जो रिमूव करा जाता है वो प्रोसेस कहलाता है आपका डिलीशन, डिलीट करा जा रहा है, थोड़ा सा जो प्रोसेस पार्ट है वो डिलीट करा जाता है, डिलीशन के अंतर्गत आ गया। डुप्लीकेशन की भी बात करी थी, तो डुप्लीकेशन में आपका जो होता है कॉपीज बनती, यानी आपका इंक्लूजन होता है, जैसे इसमें डिलीशन हुआ छोटे पार्ट का तो इसमें आपका इंक्लूजन होता है, इंक्लूजन जो होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट का, एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसका इंक्लूजन होता है क्रोमोसोम्स में। और जो इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में जो पीस होता है क्रोमोसोम्स का वो पहले अलग होता है, मान लो आपका एक पीस है इसमें आपका ए बी सी क्रोमोसोम्स का ये छोटा सा पीस है, इसमें ये जीन है, ये आपका ऐसे अलग हुआ, अब ये रिवर्स मैनर में यानी आपका उल्टा हो जाए सी बी ए और जा करके रिज्वाइन हो जाए सीक्वेंस में, तो इसको बोल देंगे हम इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन जो होता है, जो कि इसका ये ऑप्शन नहीं है, ट्रांसलोकेशन जो होता है वो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आपका क्रोमोसोम सेगमेंट्स का बिटवीन आपके नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज जो है वो आपका ट्रांसलोकेशन में आता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलीशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट रिजल्ट इन, द क्रोमोसोमल का जो रीअरेंजमेंट है वो आपका आता है कैटेगरी डुप्लीकेशन में। इसके अलावा जो यूप्लाइडी है, तो यूप्लाइडी मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स हैं आपका वो मल्टीपल फॉर्म में हो जाए, मान लो आपके एन या टू एन है, टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो मल्टीपल फॉर्म में हो जाए, आपके सिक्स एन हो जाए या एट एन हो जाए, तो इसको बोल देंगे यूप्लाइडी, मल्टीपल फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स का सेट है वो मल्टीपल फॉर्म में हो जाए। एन्यूप्लाइडी जो होता है इसमें आपका ये भी एक प्रकार का म्यूटेशन है, इसमें आपका लॉस और एडिशन होता है, अलग अलग टाइप से होते हैं, अगर इसमें आपका या तो लॉस होगा किसी पार्ट का या एडिशन होगा, तो ये आपका हो जाएगा एन्यूप्लाइडी। और पॉलीप्लाइडी में भी आपका मल्टीपल फॉर्म में भी हो जाता है जो क्रोमोसोम्स हैं, ये भी आपका यूप्लाइडी में ही कैटेगरी है एक आपका पॉलीप्लाइडी, तो ये आपका जो आपका क्रोमोसोम्स मल्टीपल फॉर्म में, जैसे आपका यूप्लाइडी है तो इस यूप्लाइडी में आपका, जैसे आपका मोनोप्लाइडी कहा गया तो उसमें एन नंबर ऑफ डाइप्लाइडी, टू एन नंबर ऑफ हेक्साप्लाइडी, ऑक्टाप्लाइडी, तो ये आपका पॉलीप्लाइडी मतलब मैनी कई टाइप से हो जाए, ये आपका टाइप्स ऑफ आपका म्यूटेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका
इन ए क्रोमोसोम्स द सीक्वेंस ऑफ जीन इज ए बी सी डी ई एफ जी, इट इज चेंज ए बी सी डी, फिर सी डी यहाँ से आपका सी डी ई एफ जी एंड विल बी टर्म। तो जो क्रोमोसोम है इसमें आपका जो जीन है ए बी सी डी ई एफ जी है, अब हो गया है ए बी सी डी सी डी, यानी ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो आपका ऐड हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा आपका डुप्लीकेशन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डुप्लीकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका हो जाएगा द एक्सचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू द अदर पार्ट ऑफ अनदर क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जब एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज में आपका जो एक पार्ट का क्रोमोसोम से अदर पार्ट में, तो वो आपका कंडीशन कहलाती है जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आपके नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, वो कंडीशन आपका कहलाती है ट्रांसलोकेशन। म्यूटेशन जो है सडन चेंज है, बाकी लिंकेज के बारे में और इन्वर्जन इनके बारे में डिस्कस कर लिया गया है। इन्वर्जन में आपका होता है कि जो आपका जो क्रोमोसोम्स है वो आपका अलग होता है कोई पार्ट और रिज्वाइन हो जाता है रिवर्स ऑर्डर में, तो वो इन्वर्जन कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, द एक्सचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू अदर पार्ट ऑफ ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। जो आपका एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स के बीच में बिटवीन आपका जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये आपका प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलोकेशन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूप्लाइडी इज द बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। यूप्लाइडी को किसमें आपका बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें आपका जो होता है मल्टीपल सेट हो जाते हैं एक प्रकार से, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ ए हैप्लॉयड सेट। जो हैप्लॉयड सेट है आपका एन है, तो इसमें आपका मल्टीपल हो जाए 2n, 6n, 8n इस टाइप से हो जाए, तो वो आपका हो जाता है यूप्लॉयडी। बाकी शेष जो आपके ऑप्शन हैं वन क्रोमोसोम्स लेस देन हैप्लॉयड सेट, ये आपके जो ऑप्शन हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलीप्लॉयडी मींस, पॉलीप्लॉयडी का क्या मतलब है, तो ऑकरेंस ऑफ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये तो आपका डिप्लॉयड ही हो गया, ऑकरेंस ऑफ हैप्लॉयड ये आपका हैप्लॉयड हो गया, ऑकरेंस ऑफ थ्री और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये आपका थ्री या मोर सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स है तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर पॉलीप्लॉयडी, यानी मैनी थ्री और मोर, तो ट्रिप्लॉयड से ज़्यादा हो गया तो वो आपका पॉलीप्लॉयडी, से आपका सिंगल है तो मोनोप्लॉयडी, टू एन है डायप्लॉयडी, ट्राइप्लॉयडी, इससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो पॉलीप्लॉयडी, और ये सारी कंडीशन जो है यूप्लॉयडी के अंतर्गत आ जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड। जो आपका सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड में वो चेंज हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चेंज इन सीक्वेंस इन डीएनए इज कॉल्ड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो जो आपका चेंज इन जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है आपका सडन चेंज होता है किसी भी कारण से आपका हो जाए, इसमें आपका जो डीएनए पे कोई परमानेंट मैसेजिंग चली जाती है चेंज होकर के, यानी आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, ये सडन चेंज के अंतर्गत आता है। रिकॉम्बिनेशन, तो ये आपका रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहलाता है, अलग होता है ये। म्यूटाजेन, म्यूटाजेन जो है आपका ट्रांसलेशन, तो अलग आपका प्रोटीन सिंथेसिस में आपका प्रोसेस हो गया। म्यूटाजेन जो है ये आपका और सब्सटेंस होते हैं जो आप सब्सटेंस या एक प्रकार के एजेंट होते हैं जो कास करते हैं आपका डीएनए इम्पेयरमेंट, इसकी जो आपका रिजल्ट होता है इसकी वजह से ही आपका जो डीएनए सीक्वेंस है वो आपका चेंज होता है एक प्रकार से। एक प्रकार से जो म्यूटाजेन की वजह से ही आपका एक जो सब्सटेंस एजेंट है इन्हीं की वजह से आपका म्यूटेशन जो है वो होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी म्यूटेशन। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड। किसी भी आपका जीन स्ट्रक्चर चेंज होता है जो स्ट्रक्चर में या फंक्शन में आप किसी पर्टिकुलर जीन में, तो वो आपका कहलाता है सडन चेंज। जैसे ही आपका वर्ड आ गया तो सडन चेंज आपका होता है म्यूटेशन में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यूटेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। म्यूटेशन कैन नॉट चेंज, नॉट पूछा गया है, तो म्यूटेशन में क्या चीज नहीं चेंज होता है या किसकी वजह से म्यूटेशन, म्यूटेशन कैन नॉट चेंज, तो म्यूटेशन किसकी वजह से, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता है इसमें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है आपका। म्यूटेशन में जो चेंज है वो आपका डीएनए में होगा, एंजाइम में होगा, आरएनए में होगा, लेकिन एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज। जो आपका फीनोटाइपिक रेशियो है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का वो आपका क्या होता है, तो फीनोटाइपिक जो रेशियो है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का वो होता है आपका, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1:1:1:1। अब ये कैसे होता है, इसमें आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का फीनोटिपिक रेशियो पूछा गया है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब आपका जो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब हो गया आपका F1 इंडिविजुअल्स का रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो सबसे पहले हम इसके पेरेंट्स डाईहाइब्रिड के देख लें, राउंड येलो जैसे है तो इसका RR हो गया और येलो का YY हो गया, इसका हमने क्रॉस कराया था ग्रीन और रिंकल्ड के साथ, इसके साथ ये हो गए थे आपके पेरेंट्स। अब इसमें जो हमको F1 इंडिविजुअल्स में मिला था वो आपका राउंड येलो जो हाइब्रिड फॉर्म में था, ये आपका ये हमें मिला था F1 इंडिविजुअल्स में। अब इसका क्रॉस जो है वो आपका कराया गया है रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि जो आपका क्रॉस होगा वो होगा R कैपिटल Y R स्मॉल Y का जो क्रॉस होगा वो होगा आपका रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल R स्मॉल R स्मॉल Y के साथ। तो इसमें जो आपके एलील्स बनेंगे, सॉरी गैमेट्स जो बनेंगे, वो आपके बनेंगे केवल R और Y टाइप के, जब भी आप क्रॉस कराएंगे तो ये एक ही सिंगल टाइप के। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जब आपका जब क्रॉस होगा तो ये आपका फर्स्ट गैमेट बनेगा R कैपिटल Y, फिर ये R जो है वो आपका स्मॉल Y के साथ जब करेगा तो सेकंड गैमेट बनेगा R स्मॉल Y, इसी तरह जब Y इस R के साथ करेगा
तो आपका r स्मॉल y, और ये जो y इसने r के साथ करा, तो स्मॉल y r एक कैपिटल के साथ बनेगा, और एक यानी r कैपिटल y के साथ, तो स्मॉल r कैपिटल y, और जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल r स्मॉल y। यानी आपका एक गैमिट होगा स्मॉल r इस साइड होगा, और इधर आपके होंगे ये फोर गैमिट्स। इसको थोड़ा हम फ्रेश फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर आपका ये हुआ स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर इसको हम फ्रेश फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये फोर गैमिट्स एक साइड बने थे। अब इसका जो हम क्रॉस कराएंगे, वो जो सिंगल्स आपका गैमिट बना था, वो बना था आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो जब आप इसको क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई जैसे ये है, तो हर बार केवल ये ऐड हो जाएगा आर स्मॉल वाई। तो इसी तरह आपको जैसे ये एक दो तीन चार हैं, इसी टाइप से आपको जब क्रॉस करेंगे तो ये चारों मिल जाएंगे। यानी जब आप क्रॉस करेंगे तो सेकंड आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर आपका जब क्रॉस करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह करते चले जाएंगे। तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो हर बार यही जो आपके चार हैं इन्हीं में केवल ये ऐड हो जाएगा, तो वन 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 का रेशियो जो है वो हमें मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको आप क्रॉस करके आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरेंट्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग एग्जिबिटिंग 9331 रेशियो वुड बी। यानी आपका ये जो रेशियो है ये किस कंडीशन में मिलता है? तो ये रेशियो जब आपका हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, तो डाईहाइब्रिड में हम क्रॉस में क्या कराते हैं, जो आपका ये आपका F1 इंडिविजुअल का जब हम क्रॉस कराते हैं जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, तो उसमें जो क्रॉस होता है मिलता है हमको कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, इसी का आपका क्रॉस करा देते हैं कैपिटल R स्मॉल R और कैपिटल Y स्मॉल Y। तो ये आपका क्या है, ये है आपका ये टू जो है आपके हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसी को जब आप आगे क्रॉस कराते हैं चेकरबोर्ड में, तो उस चेकरबोर्ड में आपको जो रेशियो है वो ये रेशियो मिल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से यह असुविधा हो रही है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप उसको फेयर में अपना रफ में करके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंट। तो जो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपका जो जीनोटाइप, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में तो आपके चार प्रकार के होते हैं, यानी आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फोर। तो आधा तो क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हो गया। जीनोटाइप जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके, चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके नाइन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, TGT बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर। इनमें से कौन जो है वो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, नहीं पूछा गया है। विच ऑफ दीज मेंडेलियन इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो जो आपका हीमोफीलिया है वो आपका, ये तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सिस्टिक फिब्रोसिस जो है ये आपका एक प्रॉब्लम होती है, इसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, इसमें आपका जो लंग है और डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका डैमेज हो जाता है, हालांकि ऑप्शन नहीं है।
ये भी आपका जो होता है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। लेकिन ये जो आपका क्राई डू चैट क्रोमोसोम्स, जिसको हम कैट क्राई क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ये आपका जो है सिंड्रोमिक डिसऑर्डर है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। इसमें आपका जो फिफ्थ क्रोमोसोम्स है वो मिसिंग होता है। इसमें होता ये है कि बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होता है, और जो बच्चा वॉइस करता है, आवाज़ निकालता है, रोता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कैट क्राई कर रही है। इसी को आपका क्राई डू कैट या आपका कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें आपका जो सिक्स्थ पोजीशन पर आपका जो है ग्लूटामिक एसिड की जगह, जो आपका हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है, उसमें आपका सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। इसकी वजह से इसका जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है, जिससे आपका जो आरबीसीज हैं वो आपका श्रिंक कर जाती हैं, इस चेंज हो जाती हैं इस फॉर्म में। इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द फिनोमिनन दैट डिफाइंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है। दैट नॉट होगा यहाँ पर, दैट नॉट डिफाइन, थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो गया, नॉट है। तो वह परिघटना जिसमें आपका जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है, तो राइट इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंकेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका TGT में आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका देखिए PGT 2013 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज, जो आपका अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है। F2 पीढ़ी में क्या होता है, तो F2 पीढ़ी में जो होता है वो जीनोटाइप रेशियो जो होता है इक्वल होता है फिनोटाइप का। रेशियो होता है आपका 1:1, तो ये आपका एक होता है रेड, दो होते हैं पिंक और एक होता है वाइट। अगर आप जीनोटाइप में देखेंगे या फिनोटाइप देखेंगे तो रेशियो आपको यही मिलता है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो आपके सेम होते हैं आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स वर सेलेक्टेड बाई मेंडल, तो मेंडल ने आपका जो पी प्लांट था उसमें कितनी वेराइटीज़ जो है वो सेलेक्ट करी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 14। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है राजस्थान PSC PGT में, 14 जो है आपका राइट आंसर होगा इसका। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड विधान किसने प्रस्तावित किया था, तो जो चेकर बोर्ड मेथड है आपका वो करा था पुनेट ने, जो चेकर बोर्ड मेथड है वो आपका करा था पुनेट ने, बैटसन और पुनेट ने आपका दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका नवोदय में PGT में आया हुआ 2014 में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस होगा आपका, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, इज विच टाइप ऑफ डोमिनेंस, मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभाविता है। तो मानव रक्त जो वंशानुक्रम है वो आपका है कोडोमिनेंस, इसमें माता पिता दोनों के जो आपका कॉम्बिनेशन के साथ ही आपका जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है, तो वंशानुक्रम जो है वो आपका कोडोमिनेंस होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कोडोमिनेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो आपका GIC 2015 में आया हुआ है, इसमें अब पूछा गया है क्रॉसिंग ऑफ F1 हेट्रोजाइगस, क्रॉसिंग ऑफ F1 हेट्रोजाइगस विथ होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये क्या हो गया, यानी आपका जो F1 हेट्रोजाइगस T स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया होमोजाइगस रिसेसिव t से, तो ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में दोनों पेरेंट्स से कराते हैं क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, अक्सर कंफ्यूज करता है, पूछा भी जाता है इंटरव्यू के टाइम में भी, ये क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है। अब बात करते हैं, ए कपल हैज़ 5 डॉटर्स बट नो सन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन द 6th चाइल्ड विल बी। तो कोई भी आपका कितनी भी बच्चे हों, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, हमेशा जो आपका प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% ही होगी, क्योंकि जब एक्स वाई का जो क्रॉस आपका एक्स एक्स से करते हैं तो इसमें आपको 50-50 ही रेशियो मिलता है। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा होगी, चाहे वो जितने भी बच्चे हो गए हों या जितने बॉयज़ या गर्ल्स हों, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा आपका 50% ही होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलटी बायोलॉजी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल लॉ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशाधारी नियम के प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो उसमें आप मेंडल ने जो यूज करे थे वो पी प्लांट थे, और उसमें भी आपका स्वीट पी और गार्डन पी दे रखी, तो जो आपका मेंडल थे ये पादरी थे और इन्होंने गार्डन पी का यूज़ किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गार्डन पी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नॉर्मल वूमेन इज मैरिड टू मैन हैविंग हाइपरट्राइकोसिस कंडीशन। एक नॉर्मल वूमेन है वो ऐसे आदमी से आपका शादी करती जिसमें हाइपरट्राइकोसिस यानी कान पे जो बाल हो जाते हैं उनको कहा जाता है हाइपर ट्राइकोसिस। दे गॉट 1 daughter and 1 son, इसको एक लड़की और एक लड़का होता है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डॉटर हैव हाइपर ट्राइकोसिस कंडीशन। तो ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी जो है या पॉसिबिलिटी जो है वो होगी 0%। क्यों? क्योंकि जो हाइपर ट्राइकोसिस जो आपका करेक्टर है या सेक्स लिंक डिजीज बोल लीजिए, वो आपका होता है वाई लिंक्ड, यानी आपका ये केवल आपका फादर से, अगर ये जाएगी तो फादर से सन में जाएगी, इसके गर्ल्स में यानी जो आपकी डॉटर है उसमें जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स जो फीमेल्स होती हैं उनमें आपका वाई क्रोमोसोम्स होता ही नहीं है। तो इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। टर्नर सिंड्रोम क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो टर्नर सिंड्रोम जो रिप्रेजेंट करता है उसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं आपका 44 प्लस एक्स होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है 44 प्लस एक्स, टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 45 होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्राइसोमी ऑफ नंबर 21 क्रोमोसोम इन मैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। ट्राइसोमी आपका 21 में, तो जो ट्राइसोमी आपका 21 में होती है ऑटोसोम्स में, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 47, तो ये आपका कहलाता है ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज वाज फॉर्मुलेटेड बाय। जो आपका हाइपोथेसिस है अलग्नता युग्मन एवं प्रतिकर्षण जो आपका परिकल्पना का सूत्र दिया था वो आपका किसने दिया था? तो जो हाइपोथेसिस दी थी वो आपकी दी थी बैट्सन और
पुनेट ने, राइट आंसर हो जाएगा इसका बैट्सन और पुनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में निम्न में से कौन सेक्स संलग्नता लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है? तो जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका वाइट आई, जो वाइट आंख वाला है एग्जाम्पल, वो आपका बहुत अच्छा उदाहरण है। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाई, जो टर्म लिंकेज है वो आपका किसने दिया था? तो टर्म लिंकेज जो दिया था वो आपका दिया था ऑप्शन डी, थॉमस हंट एंड मॉर्गन ने। टी एच मॉर्गन इसको बोला जाता है, टी एच मॉर्गन, ये आपका राजस्थान पीएससी पीजीटी में आपका आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका जीआईसी में आया हुआ है। सेक्स लिंक्ड जीन इज मैन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो सेक्स लिंक्ड जीन है मानव लिंग संलग्न जीन का प्रतिनिधित्व तो करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संलग्न जो आपका प्रॉब्लम है वो आपका होती कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जो है कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें से कौन जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है? डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में आपका 21 की ट्राइसोमी हो जाती है, ऑटोसोमल डिसीज है ये आपका, ये तो सही है आपका, यानी ये आपका नॉट की कंडीशन में नहीं आता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपका एक्स एक्स वाई हो जाता है, यहाँ पर एक्सो दे रखा है, एक्सो तो होता है टर्नर का, तो ये आपका कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है। हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है आपका। टर्नर सिंड्रोम फीमेल विद रिटार्डेड सेक्सुअल करेक्टर, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है उसमें आपका एक्स एक्स वाई हो जाता है, इसमें भी आपका 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये आपका सेक्स क्रोमोसोम्स जो है आपके बढ़ जाते हैं, इसकी ये डिसीज़ है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे आपका जेनेटिक्स पे। सो आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।